हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। फिर से क्या है कि आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड जो था उसमें हमने स्टार्ट किया था एनेलिडा। और एनेलिडा जो है इसका पार्ट वन हम पढ़ चुके हैं, अब पार्ट टू पढ़ेंगे और टू के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। यानी आज हमारा टॉपिक रहेगा एनेलिडा संघ का वर्गीकरण, और जो एनेलिडा संघ का वर्गीकरण है वो हम करेंगे क्लास लेवल तक। और क्लास लेवल का मतलब हो गया यानी इसका वर्गीकरण हम करेंगे वर्गों तक, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो यही जो वर्गीकरण है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेज लेवल तक। तो देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो इसमें आप ये समझिए कि जो एनेलिडा है उसमें जो क्लासेज होंगी वो सारी क्लासेज जो हैं उनका देखें तो कितनी क्लासेज हैं, 4 क्लासेज हैं। और अब इन 4 क्लासेज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो क्लासेज है वो उसका नाम है पॉलीकीटा। पहली क्लास का नाम क्या है? पॉलीकीटा। और जो पॉलीकीटा क्लास है इसमें आप देखिए 2 शब्द हैं। इसमें पॉली का मतलब मैनी होता है और कीटा का मतलब सिटी होता है। क्या होता है? सिटी, अर्थात ऐसे प्राणी हैं जिसमें बहुत सारे गमन के लिए सिटी मिलने वाले हैं। तो ये हमारी पॉलीकीटा क्लास हो गई। अधिकतर ये रहते कहाँ पे है? ये रहते हैं समुद्र में। शरीर लंबा और शखंड होता है। इसमें गंध के लिए जो सेंस ऑर्गन है वो ऑर्गन प्रकाशग्राही और गंधग्राही मिलते हैं। इसमें जो सिटी होती है इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसका नाम पॉलीकीटा पड़ा है। इसकी जो देह गुहा है, बॉडी वॉल है, वो वेल डेवलप्ड होती है और अंतराखंडीय पट्टों के द्वारा विभाजित रहती है। इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। रेस्पिरेशन जो होगा वो होता है जनरल बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो इसके पास नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और जो इसमें सेक्स होंगे, मेल और फीमेल, वो दोनों अलग अलग होंगे, एक ही जंतु में नहीं मिलने वाले। वैसे जनरली इसको क्या है कि इसमें 2 ऑर्डर में हम 2 सब क्लासेस देखते हैं। इसकी जो सब क्लासेज ऑफ पॉलीकीटा, तो एक का नाम है अरेंसिया, और जो दूसरी क्लास है उसका नाम है सिडेंटेरिया। क्या नाम है? सिडेंटेरिया। तो 2 सब क्लासेज मिलती है। एरेंसिया में तो क्या होता है, जो पार्श्वपाद है सुविकसित होते हैं और शुक युक्त होते हैं, और जबकि हम बात करें सिडेंटेरिया की, वो बिलकारी होते हैं, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में उनका बॉडी विभेदित होता है, पार्श्वपाद समान न होकर के असमान होते हैं। पॉलीकीटा जो संघ है उसका हम क्लासिफिकेशन में अगर उसके एग्जांपल देखें तो देखिए नेरीज है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल, नेरीज है, एफ्रोडाइट है, इसके अलावा साबेला है, इसके अलावा पोलीडोरा है,
पोलीडोरा, साबेला, क्रोडाइट, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब हम इसकी दूसरी क्लास देखते हैं, पॉलीकीटा के बाद में ओलिगोकीटा। दूसरी क्लास का क्या नाम है? ओलिगोकीटा। जो ओलिगोकीटा है इसमें देखो दो वर्ड हैं, एक तो है ओलिगोस और दूसरा है कीटा। अब इसमें ओलिगोस का मतलब क्या होता है? फ्यू होता है। क्या होता है? फ्यू। और कीटा का मतलब वही सिटी। क्या होती है? सिटी। तो फ्यू का मतलब क्या हो गया? कुछ हो गया। और सिटी का मतलब क्या हो गया? हेयर, बाल या सिटी। शूक भी कह सकते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर जो शूक है वो कम संख्या में मिलते हैं, पॉलीकीटा की तरह बहुत सारे नहीं मिलेंगे। ये अधिकांशतः कहाँ होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसमें जो पार्श्वपाद है, लेटरल जो पोर्ट्स होते हैं पार्श्वपाद, जैसे कि नरीज में आप देखते हो, वो इसमें नहीं मिलते। सीटी बहुत कम संख्या में मिलेंगे, तो जो शूक होंगे वो कम होंगे पॉलीकीटा की तुलना में, त्वचा में दशे हुए होंगे। साथ में इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन। और निषेचन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, बॉडी के अंदर नहीं होता, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल कहाँ पे होगा? कोकून के अंदर, कोकून में। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास, तो डेवलपमेंट जो है वो जनरली डायरेक्ट होता है। क्या होता है भाई? डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट, यानी नो लार्वल फॉर्म इन लाइफ साइकिल। और ये कैसा है? बाइसेक्सुअल प्राणी होते हैं और लार्वा फॉर्म एब्सेंट होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें ओलिगोकीटा की, एग्जांपल आप देखोगे ओलिगोकीटा के, तो देखिए आपको लुम्ब्रिसिलस लुम्ब्रिकुलस आल्पा फेरेटिमा ये सब इसके एग्जांपल होंगे। अब हम देखते हैं तीसरी क्लास, और जो तीसरी क्लास है उसका नाम है हिरोडिनिया। क्या नाम है? हिरोडिनिया। और हीरो का मतलब यहाँ लिच होती है। क्या होती है? लीच। लीच का मतलब जोंक। तो ये ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम जोंकों का अध्ययन करते हैं। अब जोंक जो है इसके जनरल करैक्टर क्या होंगे? एक तो पैरासाइट होगी, ये पैरासाइट एक्टो होती है। एक्टो का मतलब बाहरी परजीवी है। और ये खाती क्या है भाई? संगवी वोरस होती है। संगवी वोरस, सेंगी वोरस का मतलब होता है रक्त हारी।
रक्त को पीने वाला कीड़ा, रक्त को पीने वाला प्राणी है ये। और शरीर जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो होता ही है, क्योंकि इस फाइलम की विशेषता ही क्या है, इस फाइलम का नाम ही क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड प्राणी इसमें मिलते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो कुल मिलाकर के 33 सेगमेंट इसकी बॉडी में मिलते हैं। इसका जो एंटीरियर एंड होगा, एंटीरियर एंड, और एक होता है पोस्टीरियर एंड, इन दोनों एंड्स के एंड पर क्या मिलते हैं, शक्कर्स मिलते हैं, और ये जो शक्कर्स है यही इसको चिपकाने में मदद करते हैं, चिपकने के लिए यही क्या है, हेल्पफुल होते हैं, यही क्या है, इसमें सहयोगी होते हैं होस्ट के साथ में चिपकने में। अगर बात करें इसके स्पष्ट सिर की या नेत्रों की, तो उनका अभाव होता है। फर्टिलाइजेशन जरूर आप देख सकते हो, फर्टिलाइजेशन ओलिगोकिटा में एक्सटर्नल था, लेकिन यहाँ पर कैसा है, इंटरनल है। इंटरनल का मतलब आंतरिक। और अगर डेवलपमेंट आप देखोगे, तो वो जनरली कैसा होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी नो लार्वल फॉर्म, नो लार्वल फॉर्म है इन देयर लाइफ साइकिल। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है बोटरीडियल, क्या है, बोटरीडियल टिश्यू की प्रेजेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका करैक्टर है। बोटरीडियल टिश्यूज की प्रेजेंस इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट करैक्टर है। और देगुआ में जो ये बोटरीडियल उत्तक है, टिश्यू है, ये सम्मानित होकर के हीमोसिलोमिक साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एकेंथोबडेलिडा, रिंकोबडेलिडा, कनेथोबडेलिडा और फेरिगोबडेलिडा, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, लेकिन उनको हमें नहीं देखना। हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं कि वो कौन कौन से एग्जांपल है। तो एकेंथोबडेला है, एकेंथोबडेला एक एग्जांपल, दूसरा है रिंकोबडेला, रिंकोबडेला तीसरा एग्जांपल है, गनेथोबडेला पोटोबडेला एफर्डोबडेला, ये सारे जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। लोकल डायलेक्ट में आप इसको लीच जो हैं वो सभी से में मिलती हैं। अब अंतिम इसका जो क्लास है वो पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है आर्की एनेलिडा, आर्की एनेलिडा। और आर्की एनेलिडा जो है, आर्क का मतलब फर्स्ट होता है, ये किससे बना है, आर्क, और आर्क का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट यानी प्रथम। तो आर्की एनेलिडा जो है, एनेलिडा जो फाइलम है उसके प्रथम मेंबर माने जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक,
पेरापोडिया लेश, सिटी लेस, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, जो है अस्पष्ट होता है, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन क्लियर होता है, शार्प और स्पष्ट। और इसमें जो गोनेड्स हैं, जनद अंग, मेल में अलग होंगे और फीमेल में अलग होंगे, तो दोनों में अलग अलग हो जाएंगे। डेवलपमेंट अगर आप देखोगे इसमें, यानी विकास की क्रिया अगर देखो, तो विकास इनडायरेक्ट होता है, और विकास इनडायरेक्ट होता है तो इसका मतलब हम समझ गए होंगे कि लार्वल फॉर्म मिलेगी, लार्वल फॉर्म बनती है इसमें, और जो लार्वल फॉर्म बनती है उसको हमने कह दिया था ट्रोकोफोर। कौन सी लार्वल फॉर्म? ट्रोकोफोर। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल है डाइनोफिलस, या हृदयकर्मी जो होता है पॉलीगॉर्डियस, ये इसके एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा को स्टडी किया। जो एनेलिडा है उसमें क्लासिफिकेशन में हमने क्लास लेवल तक किया है, और क्लास फोर होती है पहली क्लास पॉलीकिटा, अर्थात जिसमें सिटी की संख्या बहुत ज़्यादा हो। सिटी की संख्या क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। सब क्लासेज इसमें एरेंसिया और सेडेंटेरिया मिलते हैं। निरेसाबेला, एफ्रोडाइट और पॉलीडोरा, ये इसके एग्जांपल देखे। ओलिगोकीटा में ओलिगोज का मतलब फ्यू होता है, और फ्यू सिटी फ्यू शूक्स मिलते हैं, यानी इसमें पेरापोडिया नहीं मिलते, जबकि सिटी कम होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और जो एक्सटर्नल होगा वो कहाँ होगा? कोकून में होगा, जैसा कि आप अर्थवर्म में देखते हो। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, नो लार्वल लार्वल स्टेज फॉर्म्ड इन देयर लाइफ साइकिल। बाइसेक्सुअल होते हैं। लुब्रिकस में फेरेटिमा वगैरह मैंने देखा। हिरोडिनिया जो थर्ड क्लास है उसमें लीच का अध्ययन करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और ये सैंग्वीवोरस होते हैं, यानी रक्त का पान करते हैं अपने होस्ट, जिस होस्ट पे ये पैरासाइट लगे होते हैं उस होस्ट का ब्लड पीते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और इन लीच की बॉडी में कुल सेगमेंट्स जो होते हैं वो 33 होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे इसके ऊपर सकर्स लगे होते हैं, इसकी सहायता से ये अपनी होस्ट से चिपका हुआ रहता है, और उसी सकर्स के अंदर क्या है कि ट्रायंगल शेप के अंदर आपको मिलेंगे उसके जो टीथ, तो उसके द्वारा वो कट करेगा और अपने होस्ट का जो ब्लड है उसको शक करेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा ही, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। बोटिडियल टिश्यूज जरूर इसमें प्रेजेंट होता है, और इसके एकेंथोबडेला, एरिंकोबडेला, यग्नेथोबडेला आपने लीच वगैरह देखा। आरके एनेलिडा और आरके एनेलिडा के करेक्टर्स आपने देखे। इन करेक्टर्स के साथ साथ में स्पेशल करेक्टर आपने देखा कि जो चार क्लासेज है उसमें से ओनली ए सिंगल क्लास आरके एनेलिडा इन विच वी सी ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज वेरियस एनिमल साइकल्स। तो डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा और ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा, जैसे कि डाइनोफिलस और पॉलीगॉर्डियस, ये हमने इसमें देखे। अगले वीडियो में फिर से हम एक नए फाइलम को लेकर के हाजिर होंगे और उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।